Sometimes we get confused for our decisions, like self-worth. We don't know about self-worth, कि हमारा decision ठीक है, हम ये decision ले लें, because of society, because of parents' pressure, we think that, हाँ, we should do that. क्योंकि हमारे parents जो होते हैं, हमारे first well-wishers होते हैं, तो वो बताते हैं कि बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता है, हम बता रहे हैं, वैसे चलो. Because you are not experienced in your life. Right. So is it true that कि वो बोल रहे हैं, तो हम करें, हम experienced नहीं हैं? आपको क्या लगता है? बिकॉज मेरी एक शादी थी उसमें डिवोर्स हो गया. आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड. यू वांट टू शेयर ऑल दीस थिंग्स ऑन द कैमरा? इट्स ओके, फाइन. सबको पता है मेरी शादी हुई थी, देन उसके बाद दोबारा हुई है. नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, सबको ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर हम कुछ कर रहे हैं और ठीक है, एक्सपीरियंस तो मिल गया और लेसन भी मिल गया, बट स्टिल समवेयर पीपल फील कि हाँ गलत है, यू आर नॉट डूइंग राइट. आप में से कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक, कैसे अपने अंदर से पॉजिटिविटी को जनरेट करें? हमेशा ऐसे चार्ज रहे कि कोई कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा डिसीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट्स इट. राइट, दैट्स व्हाट इट. ऐसा कैसे हो? हाँ, तो ऐसा होने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि जो हम करना चाहते हैं, आर वी एब्सोल्यूटली क्लियर अबाउट इट? नो. और अगर हमारे अंदर से आ भी रहा होता है तो हम इतना श्योर नहीं होते उस डिसीजन को लेकर के. कहीं ना कहीं हमारे खुद के अंदर भी एक डाउट होता है. जब वो डाउट होता है तो हम बीच में फिस जाते हैं. एंड समटाइम्स वी थिंक कि अगर हमने ये डिसीजन ले लिया, इन केस वी गॉट फेलियर, हाँ तो क्या होगा? या एग्जैक्टली, देन पीपल से देखो हमने कहा था ना, इस ऐसा हाँ, होगा. तो लोग सही प्रूव हो जाएंगे और हम गलत प्रूव हो जाएंगे. yeah. तो कहने का मतलब है, अगेन द पॉइंट इज कि हम एब्सोल्यूटली क्लियर नहीं है कि हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ से. अगर हम बिल्कुल क्लियर हो जाए किसी भी चीज को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल, अगर डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक? नो. ओके, कैमरे में तो यही बोलना ठीक रहता है. कुछ और बोल देता हूँ. यू डोंट टेक ड्रग्स, राइट? नो. तो कोई जबरदस्ती आकर के आपको ड्रग्स दे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, या बहुत रिस्पेक्टेड कोई ऐसे हो, सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल, वो जबरदस्ती आकर के आपको ड्रग्स दे, आप लोगे? नो. नहीं लोगे. क्यों? वहां पे कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा. अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा? नहीं. कोई डर होगा कि कल को मैं गलत प्रूफ हो गई तो क्या होगा? नहीं. नहीं होगा ना. You are absolutely clear कि नहीं तो नहीं बस. और अगर कोई आ करके कोई अच्छी चीज देगा, फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी और पानी दे रहा है, वो भी फिल्टर का है, वो कह रहा है पी लो, तो क्या वहां पे कोई डाउट होगा? नहीं. कि मैं इसको पीऊं या ना पीऊं? तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में आप एब्सोल्यूटली क्लियर हो कि मेरे लिए सही क्या है और दूसरा मेरे लिए गलत क्या है. वंस वी आर एब्सोल्यूटली क्लियर कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत हमको हिला नहीं सकती.